हवा बेहद खराब है। अभी दिवाली दूर है, फिर भी दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है। भरी दोपहर में धुंध है, धुआं धुआं है। फिर सोचिए अगर पटाखों का धुआं इसमें मिल जाएगा तो क्या हाल होगा। मैं इस वक्त ITO पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति आपको दिखाना चाहेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस पूरे इलाके का इतना खराब है कि जो आसपास का एरिया है वो भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिर्फ धुआं धुआं ही दिखाई पड़ रहा है। ये आप सीधे जो देख रहे हैं ये पुराना PHQ ऑफिस है, यहाँ पर आप पूरा रास्ता जो देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर धुआं ही दिखाई पड़ रहा है। NGT ने पटाखों को हवा की क्वालिटी से जोड़ दिया। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब है तो पटाखे नहीं चला सकते। AQI 101 होते ही हवा का स्तर खराब हो जाता है और जैसे ये इंडेक्स 201 के पार पहुंचता है इसे खतरनाक माना जाता है। पर राजधानी का हाल तो देखिए, शायद ही कोई इलाका हो जहां AQI 201 भी हो। दिवाली से हफ्ते भर पहले ही दिल्ली के आनंद विहार में ये 484 है, मुंडका में 470 है, इसी तरह ओखला में आज की हवा का स्तर 465 है। रोज मॉर्निंग वहाँ पे निकलते हैं लेकिन इसे डे बाय डे ये पॉल्यूशन बढ़ रहा है और जैसे ही दिवाली नजदीक आता है हर बार गवर्नमेंट सिर्फ कोई बहाना ढूंढ लेती है कि पटाखे बंद कर देंगे तो पॉल्यूशन कम हो जाएगा, लेकिन हम लोग जैसे देख सकते हैं कि कुछ असर जाए दिखा नहीं है और ये और ही बहुत ही ज्यादा सीवियर होते जा रहा है। मैं वॉक पे निकलता हूँ तो आंखों में जलन भी होती है और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम होती है। दिल्ली से सटे राज्यों का हाल भी बेहाल है, फिर चाहे यूपी हो, हरियाणा हो या फिर पंजाब। पराली जलाए जाने से यहाँ के आसमान पर धुएं का गुबार साफ दिख रहा है। इतने ही केमिकल्स हैं, इन सब का रोल क्या है? आर्टरी को कंस्ट्रिक्ट करना, इन्हें तंग करना, ब्लड को मोटा करना। आर्टरी कंस्ट्रिक्ट हो जाए, ब्लड मोटा हो जाए तो क्या होता है? ब्लड क्लॉट बनता है। ब्लड क्लॉट बनने से हार्ट अटैक का डर है। लंग्स को नुकसान होता है, हार्ट की आर्टरी को नुकसान होता है। NGT ने पटाखे चलाने पर ही नहीं बल्कि बेचने पर भी बैन लगाया है। पटाखा कारोबारी इस फैसले को लेकर सकते में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार करें तो क्या करें। उन्होंने पहले से पटाखों से दुकान भर ली और अचानक अब ये फैसला आ गया। अब जब लाइसेंस ले ली तो हमने पटाखे भर लिए, सबको अपना टैक्स चले गया है। टैक्स चले गया, घाटा किसका होता है? बेचारा आम व्यापारी का घाटा हो रहा है। इनका तो जब मर्जी है बंद कर देते हैं। आज से 20 दिन से पॉल्यूशन हो रहा है, तब तो उनको ध्यान नहीं आया कि लाइसेंस देना नहीं देना है। लेकिन जैसी दुकानें खुलती है हमारा माल भर जाता है लाखों रुपए का, फिर ये लोग एकदम बंद करने की बात करते हैं। पटाखा कारोबारियों के दबाव में हरियाणा सरकार को झुकना पड़ा। हरियाणा सरकार ने 2 घंटे के लिए पटाखे चलाने की मंजूरी दे दी है। इसमें पॉल्यूशन का जो खतरनाक लेवल पहुंच गया है और कोरोना ऊपर से चल रहा है, हमने देखा कि कोरोना की दोबारा से फिर ये खास करके प्रदूषण जब से बढ़ रहा है, फिर भी जो लोग पटाखे अपना बेचना चाहे चलाना चाहे तो 2 घंटे की छूट दी है, उस 2 घंटे के लिए बेच सकते हैं। दिवाली पर पटाखों पर लगी रोक से दिवाली तो थोड़ी फीकी हो ही जाएगी, लेकिन ये जिंदगी के लिए भी जरूरी है। दिल्ली की हवा पहले से ही खराब है और पटाखों के धुएं से हवा कितनी और प्रदूषित होगी ये समझा जा सकता है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, दिल्ली से पूनम शर्मा और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।